हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखो गाइस, इस टाइप के लिरिक्स वीडियो इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इस टाइप के वायरल रील वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। हाइलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं, इस ऐप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है, यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट करना है। कलर पर टैप करके ब्लैक कलर सेलेक्ट करके रखना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करके यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करना है। वीडियो लेयर सेलेक्ट करना है। थ्री डॉट पर टैप करके ऑडियो पर टैप करना है। यहाँ से वीडियो को डिलीट कर देना है। सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ से प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर टैप करना है। यहाँ पे लिरिक्स टाइप कर सकती है। यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, जो भी रखना चाहते हैं। इस पर टैप करके यहाँ से इसे डार्क कर देना है। लाइन पर टैप करके सेंटर में रखना है। फॉन्ट ऐड करना है, यहाँ से इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। फॉन्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 18 PT पे टैप करना है। यहाँ से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसे एक लाइन में रखना है, टिक कर देना है। टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करने के लिए यहाँ से लेयर सेलेक्ट करना है। मूव पर टैप करके यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है। स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में आना है। एंड से थोड़ा पहले प्लस देना है। स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में यहाँ से इसके साइज को बढ़ा के इनक्रीज कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही जूम करना है। एंड में आना है। एंड में यहाँ से इसे सेलेक्ट करके 925 रखना है। सेंटर में आना है, यहाँ से कर्व सेलेक्ट करके इसे ऐसे कर देना है। पैक आना है। लिरिक्स लेयर में इफेक्ट ऐड करने हैं, यहाँ से लेयर सेलेक्ट करना है। इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। नीचे की साइड आना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से इस इफेक्ट को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। रेंज सेलेक्ट करके स्टार्टिंग में प्लस देना है। सेंटर में आना है, सेंटर से थोड़ा पहले प्लस देना है। इसे सेलेक्ट करके एंड में 100 रखना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करना है। लेयर की साइड में यहाँ से कंपोनेंट सेलेक्ट करके रखना है। अगेन नीचे की साइड आना है, यहाँ से स्केल सेलेक्ट करके -1 रखना है। इसे सेलेक्ट करके -1 रखना है। नीचे की साइड आना है, अल्फा सेलेक्ट करके यहाँ से इसे भी -1 रखना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है, यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है। लास्ट में आके ओवरलैप सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसे 600 रखना है। लास्ट में आना है, यहाँ से एरो पर टैप करना है। इसे सेलेक्ट करके स्टार्टिंग में प्लस देना है। सेंटर में आना है, सेंटर में प्लस देना है। स्टार्टिंग में 0 रखना है। एंड में आना है, एंड के सेंटर में यहाँ से इसे 0.01 रखना है। पैक आना है। एक एक करके एक और इफेक्ट ऐड करना है। लेयर सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। लास्ट में आना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है। सेंटर में आना है, सेंटर में प्लस देना है। सेंटर में यहाँ से इसे 1 रखना है। बैक आना है, यहाँ से इसे सेलेक्ट करके लास्ट में आना है। इस इफेक्ट को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, इसे सेलेक्ट करके 0 रखना है। इसे सेलेक्ट करके 0.50 रखना है। नीचे की साइड आना है, यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है। सेंटर में प्लस देना है। एंड में आना है, एंड से थोड़ा पहले प्लस देना है। एंड में यहाँ से इसे सेलेक्ट करके रखना है, 0.69 रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही सेम करना है।
यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है जो भी रखना चाहते हैं। नीचे की साइड आना है, यहाँ से स्मूथिंग सेलेक्ट करके 0.100 रखना है। पैक आना है, सॉन्ग को प्ले करके देख लेना है, देन लिरिक्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है। लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से लेयर सेलेक्ट करना है, टाइमर से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉन्ग की नेक्स्ट लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ से लेयर सेलेक्ट करना है, प्लस पर टैप करके कॉपी लेयर करना है, एरो पर टैप करना है, यहाँ पे लिरिक्स के अकॉर्डिंग पेस्ट कर देना है, प्लस पर टैप करके पेस्ट लेयर कर देना है, एरो पर टैप करके लेयर सेलेक्ट करना है, टाइमर से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉपी लेयर सेलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ पे सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, टिक कर देना है। ऐसे ही सेम स्टेप करनी है, ऑल लिरिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, एरो पर टैप करके मार्क करना है, प्लस पर टैप करके पेस्ट लेयर कर देना है। वीडियो सेव करने के लिए यहाँ से एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है।